हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट वाले छात्रों के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी अपडेट दोस्तों आप सभी के लाइज उसका नोटिफिकेशन बिना किसी रोक टोक बिना किसी बाधा के आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी बात आपसे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों टर्म 1 एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी सीरीज स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला शुरू करना है, जिसमें क्लास 12 से क्लास 11 से पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एसएसटी, हिस्ट्री और भी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू आप उसको अवेलेबल में होते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसी वजह से दोस्तों मैं आपसे अपडेट नहीं दे पा रहा, फोन खराब हो गया था, तो इसके लिए दोस्तों मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि अपडेट नहीं दे पाया। बट दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए अपडेट लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे साथ जो है मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी कौन सी मार्कशीट जो है वैलिड होगी, क्योंकि सीबीएसई कुछ कह रही है, स्कूल्स कुछ कह रहे हैं और आर ऑफिस कुछ कह रहे हैं। तो ये अपडेट दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों को लेकर जो जिन्होंने कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया, तो प्राइवेट वाले कैंडिडेट भी ये वीडियो पूरे अंत तक देखें। तो प्राइवेट कंपार्टमेंट जो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट वो छात्र जिन्होंने कंपार्टमेंट की परीक्षा दी थी, इंप्रूवमेंट की परीक्षा दी थी और जुलाई में उनके भी जुलाई में उनके रिजल्ट आ चुके थे, यानी जुलाई में जो रिजल्ट आया था उनमें उनके नंबर अच्छे थे, बट जब उन्होंने कंपार्टमेंट की परीक्षा दी तो उस कंपार्टमेंट में उनके आरटी लग गई या कुछ सब्जेक्ट में वो एबसेंट रहे, और ऐसे में जो रिजल्ट है उसमें उनका एबसेंट आ रहा है, आरटी लगा हुआ रहा है। तो वो छात्र लगातार अभी भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हमारा फाइनल कौन सा माना जाएगा, जुलाई वाला या इम्प्रूवमेंट वाला या कंबाइंड मार्क्सशीट हमारी आएगी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको हमेशा से कहा और हमेशा मैंने आपको हमेशा वीडियो बना के माध्यम से आपको बताया कि इम्प्रूवमेंट का हमेशा एक ही रूल होता है, जो आपके नंबर अच्छे होते हैं यानी जो बेस्ट मार्क्स होते हैं उसी को कंसिडर किया जाता है। यदि अगर आपको जुलाई में अच्छे नंबर हैं तो आपको जुलाई वाली मार्क्सशीट ही मानी जाएगी, और इसको लेकर दोस्तों आर ऑफिस में मैंने पता कर लिया है और आपने भी हज़ारों छात्रों ने भी मुझे मैसेज के माध्यम से कॉल के माध्यम से बताया कि हमारे आर ऑफिस में उन्होंने बताया कि आपकी जो पुरानी वाली मार्कशीट है वो वैलिड मानी जाएगी, उसके माध्यम उसको आप यूज़ कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और उसका किसी भी तरीके के लिए चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फॉर्म भरना चाहे तो उसमें भर सकते हैं पुरानी वाली मार्कशीट के आधार पर। कुछ छात्र पूछ रहे हैं कि सर हमने सीबीएसई ऑफिस फ़ोन किया तो वहाँ पर बोल रहे थे वो कंबाइंड मार्कशीट आएगी। तो दोस्तों कंबाइंड मार्कशीट आएगी जिन बच्चों के नंबर बढ़े हैं, ठीक है, जिन बच्चों के नंबर बढ़ गए हैं यानी जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट का और उस इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का नंबर बढ़ कर आए हैं, तो ऐसे में उन सभी छात्रों कंबाइंड मार्क्सशीट आएगी। और कंबाइंड मार्क्सशीट कब आएगी तो 3 से 4 दिन के अंदर दोस्तों आप सभी के जो है कंबाइंड मार्क्सशीट आपके स्कूल में भेज दी जाएगी और आप डिजी लॉकर पर भी उसे अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, कल भी हो सकता है आ जाए या परसों भी आ जाए, बट 3 से 4 दिन का जो समय लग सकता है, ठीक है। इसके अलावा जिन छात्रों के अब्सेंट है कंपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट में तो उन सभी छात्रों के पहले वाले जो नंबर हैं वो मान्य रहेंगे जिन भी छात्रों के सब्जेक्ट में अब्सेंट हैं, क्लियर। तो मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत रहिए। साथ ही साथ प्राइवेट वाले छात्र जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया ना कोई मार्कशीट आई है तो उन सभी छात्रों से कह देना चाहता हूँ कि आप सभी की जो मार्कशीट है जो रिजल्ट है वो आपके एड्रेस पर कुरियर के माध्यम से पहुंच जाएगी और आप अपने आर ओ ऑफिस में और स्कूल में भी जाकर पता कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को ले सकते हैं और उसका फर्दर यूज़ कर सकते हैं क्लास, ठीक है। तो ये सारे अपडेट आप सभी के लिए दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचाए ताकि हर बच्चे अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को जो है तसल्ली दे सके, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में, तो प्लीज़ इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चलो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।